हमारी इस वक्त की अपडेट पर ग्वालियर से हमें जानकारी मिल रही है जहां पर एक सराफा कारोबारी से लूट की गई है। ग्वालियर से आपको खबर बता रहे हैं, कुछ अज्ञात बदमाशों ने सराफा कारोबारी से लूट की है और व्यापारी को गोली भी मारी है। जेवरात से बड़ा बैग लूटकर ये बदमाश भाग निकले हैं। ग्वालियर के सराफा व्यापारी रिंकू सोनी गंभीर रूप से घायल है। अब बता दें, ग्वालियर के गोला मंदिर के थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, यहाँ कुछ अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी और जेवरात से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। ग्वालियर से सराफा कारोबारी से लूट की बड़ी घटना सामने आ रही है। जेवरात से भरा बैग लूटकर कुछ बदमाश फरार हो गए हैं। ग्वालियर के सराफा व्यापारी रिंकू सोनी, यहां दो अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी पर गोलियां चलाई और फिर बैग लेकर भाग निकले। ग्वालियर के गोले मंदिर के थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। व्यापारी रिंकू सोनी जेवरात से भरा बैग लेकर जा रहे थे, जिस बीच अचानक कुछ अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी और जेवरात से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर के गोला मंदिर थाना क्षेत्र की घटना। हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता कमल वर्मा, उनसे पूछेंगे। कमल, सराफा व्यापारी से लूट की ये घटना सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है प्रथम दृश्य? ग्वालियर के गोले मंदिर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान पर कुछ तीन बदमाश आए और ज्वेलर्स जब दुकान बंद कर रहे थे, उसने अपने बैग में ज्वेलर्स सोना चांदी भरकर बैग में रखा था और घर के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही तीन बदमाश अपाचे व्हाइट कलर के अपाचे से आए और उनको बैग चलाने की कोशिश की। बड़ी मशक्कत के बाद व्यापारी ने उसको बैग छोड़ लेके दूसरी मोबाइल की दुकान में भागने की बचने की कोशिश की, लेकिन तीन बदमाश इतने इतनी मजबूत थे, उन्होंने दूसरी मॉल की दुकान में जाकर उसमें गोली छह से सात फायर की, लेकिन फिर भी व्यापारी ने बैग नहीं छोड़ा। जब मजबूरन बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी, इससे मजबूर होकर व्यापारी ने सोना चांदी का भरा बैग आरोपियों को दे दिया। फिलहाल लुटेरे बैग लेकर फरार हो गए, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। शुक्रिया कमल इस विस्तृत जानकारी के लिए।